दोस्तों आज हम शक्तिमान के एपिसोड 119 का VFX ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जहाँ पे शक्तिमान बड़े हो जाते थे। ये आप देख सकते हैं शक्तिमान बड़े हो रहे हैं, तो ये जो बड़ा होने का सीन है ये ब्लू स्क्रीन के ऊपर शूट करके इनको खींचा गया, मतलब कि जूम किया गया है खींच के, ऐसा दिखाया गया कि बड़े हो रही हैं। और दोस्तों इसी तरह इस सीन को बनाया गया है। और यहाँ पे हम अगले सीन के बारे में बात करते हैं जहाँ पे ये बड़े होके चिल्लाते, तो ये अलग सीन है दोस्तों। यहाँ पे ये ग्रीन ब्लू स्क्रीन को पीछे से हटा दिया गया, और ये जो इनविजिबल लोग हैं यहाँ पे ग्लास इफेक्ट का यूज़ किया गया है दोस्तों, इन लोगों के ऊपर ग्लास इफेक्ट का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इसके साथ मिक्स हो चुका है। और इन्होंने ब्लू रंग के सूट पहने, मतलब कि ब्लू रंग के कपड़े पहने, जिसके अंदर ये ढके हुए पूरा मास्क सब ब्लू स्क्रीन का पहन रखा है। और ये पूरा स्टूडियो में शूट किया गया, पीछे जंगल झाड़ी लगा दी गई है। और यहाँ पे हम बात करते हैं अगले सीन के बारे में, जहाँ पे ये कैमरा हिलते हुए शक्तिमान के पास आ गया, तो ये कैमरे को जूम करके ऐसे किया गया है, मतलब कि डिजिटली जूम किया गया है, कैमरा जूम नहीं हुआ है। और ये असली सीन है दोस्तों, जहाँ पे कैमरे एंगल को ऐसा रखा गया है ताकि हमें लगे कि शक्तिमान बड़ा हो चुका है। और ये जो सारे सीन है इन्हें अलग तरह से शूट किया गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया स्टूडियो में। और ये जो सीन है हमारे शक्तिमान का, दोस्तों अब हम बात करते हैं इस सीन के बारे में, जहाँ पे शक्तिमान की शक्तियाँ जाग जाती हैं और ये अपने चक्र दिव्य चक्र को बीच में से निकाल के उसकी शक्ति की मदद से सभी ट्रांसपेरेंट भूतों को मारने लगते हैं, जिससे ये लोग गायब हो जाती हैं। तो ये सीन बनाने के लिए ये अलग कॉस्ट्यूम पहना शक्तिमान ने, और ये कॉस्ट्यूम के ऊपर वो चक्र नहीं है। और ये जो चक्र है दोस्तों ये 3D की मदद से बनाया गया, जिससे लगे कि ये अलग से उड़ के जा रहा है। और ये बिना चक्र वाला कॉस्ट्यूम है जो कि शक्तिमान ने पहन लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसी कॉस्ट्यूम को उन्होंने उल्टा करके पहना है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। और दोस्तों यहाँ पे ये चक्र नाचता है, और ये सब क्या है ग्लास इफेक्ट यूज़ किया गया है इन सब के ऊपर बनाने के लिए। जिस इफेक्ट को यूज़ किया गया उसका नाम ग्लास इफेक्ट है। और ये ब्लू स्क्रीन कॉस्ट्यूम पहन के ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। और ये उसी को कॉपी पेस्ट करके फैला दिया गया, ताकि हमें लगे कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि हमला करना चाहते हैं, तो उसी टेक्निक की वजह से ये किया गया। और ये जो ग्लास, ये जो 3D के अंदर से ये जो निकल रहा है रेज, ये भी कंप्यूटर की मदद से बनाए गए हैं। ये जो चक्र से रेज निकल रही है ये भी कंप्यूटर की मदद से बनाई गई है। और ये जो ये लोग गायब हैं, तो ये पूरा वो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि वो ट्रांजेक्शन यूज़ किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से सीन शूट किया गया, यहाँ पे ये 3D में है चक्र, और ये शक्तिमान ने बिना चक्र वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया है, ताकि ऐसा लगे कि उनकी चक्र ही निकल के आई है। और ये यहाँ पे ये ब्लास्ट करने का इफेक्ट है, और ये जो यहाँ से बाहर निकलने का इफेक्ट है ये काफ़ी कूल था। और ये वापस चले जाते हैं, इनकी कॉस्ट्यूम यहाँ पे इन्होंने फिर से चेंज कर लिया, और ऐसा दिखाया कि वो चक्र इनके कॉस्ट्यूम में आ चुका है। और ये फिर से यहाँ पे जो है दोस्तों दोबारा से उसी सीन को किया गया है, बस पिछली बार में जो टेक्निक्स थी जहाँ इनको जूम किया गया था वहाँ पे इनको जूम आउट किया गया, मतलब छोटा कर दिया गया है, और ऐसा दिखाया गया कि ये अपनी नॉर्मल साइज़ में वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे कई कई जगह पे क्लिप को रिवर्स किया गया है, और ये ब्लू स्क्रीन के ऊपर शूट किया था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों कल मैं ये वीडियो नहीं डाल पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम आपके कमेंट को रीड नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी दोस्तों। मिलते हैं एक नई